शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जब कोई भक्त सच्चे हृदय से अपने भगवान के दर्शन करने जाता है तो वो आत्मरूप होता है और संसार की कोई भी शक्ति उसका कोई हित नहीं कर सकती। और पंखी बालक, हमें तुम पर विश्वास है, हमें अपने लड्डू गोपाल पर विश्वास है। हम जानते हैं कि वो आगे भी होंगे, हमारी इस यात्रा के साक्षी होंगे, इसलिए हम स्वयं को लड्डू गोपाल को समर्पित कर इस अग्नि यात्रा को पूर्ण करेंगे। जय लड्डू गोपाल। ओम महाज्वालाय विद्महे अग्नि मध्याय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात्। तुलसी, तुम केवल एक साधारण मनुष्य हो और साधारण मनुष्य केवल जीवन में एक ही बार अग्नि में प्रवेश कर सकता है और वो अपनी मृत्यु के बाद। और इस अग्नि को भी मैं तुम्हारी चिता बना के रहूंगी। प्रभु, जैसे लंका दहन के समय मेरे रुद्र अवतार हनुमान की अग्नि को देवी स्वरूपा देवी पार्वती ने धारण किया था, उसी तरह आज आपको भी तुलसी के ताप को धारण करना ही होगा, तभी वो इस अग्नि परीक्षा को पार कर पाएगी। प्रभु पुत्र, मैं धर्म की इस यात्रा में तुम्हें कोई अधर्म नहीं करने दूंगा। तुलसी मेरी भक्त है, उसने मुझे साक्षी मानकर इस अग्नि में प्रवेश किया है, इसलिए अग्नि के इस समस्त ताप को मैं स्वयं धारण करूंगा। पुत्ता तुलसी, या तो तुम अपने धर्म की रक्षा कर सकती हो या अपने जीवन की, किंतु दोनों स्थितियों में तुम्हारा अंत निश्चित है, क्योंकि यदि तुमने इस अनुष्ठान को अधूरा छोड़ा तो सूर्योदय होते ही तुम्हारा अंत हो जाएगा, और यदि तुमने इस यात्रा को पूरा करने का हठ नहीं त्यागा तो ये अग्नि ही तुम्हारे जीवन यात्रा को समाप्त कर देगी। तुलसी, तुमने मुझे साक्षी माना है, तुमने स्वयं को मुझे समर्पित कर दिया है, इसलिए अग्नि के इस ताप को मैं धारण करता हूँ। ओम महाज्वालाय विद्महे अग्नि मध्याय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात्। अग्नि से घिरे हुए फिर भी हमें अब अग्नि का ताप महसूस नहीं हो रहा है। लड्डू गोपाल, हम जानते हैं आप ही की लीला है, आपने अवश्य हमारी इस यात्रा को पूर्ण करने के लिए हम पर कृपा की है। लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल, मैं जानती हूँ कि पुरोहित के रूप में तुम ही हो जो इस तुलसी की रक्षा कर रहे हो। पुतना, भक्त की रक्षा करना भगवान का धर्म है।
तुम शायद भूल गए कि तुलसी पर राहु की महादशा चल रही है, और जब राहु किसी जातक को दंड दे रहा हो तो कोई भी देव उसमें बाधा नहीं डाल सकता। तुम भी नहीं लड्डू गोपाल, अन्यथा तुम अपने ही विधि के विधान को खंडित कर दोगे। मैं राहु के दंड विधान से नहीं, अभी तो तुम्हारे अधर्म से तुलसी की रक्षा कर रहा हूँ, और किसी असुर से भक्त की रक्षा करना, उसके धर्म पालन में सहायता करने से कभी भी विधि का विधान खंडित नहीं होता पुत्ता, अभी तो उससे विधि के विधान का पालन होता है। हे महादेव, महादेव के प्रियगण, हे धर्म के रक्षक, हे पूरी शक्तियों के विनाशक भगवान कीर्तिमुख, हमने आपकी इस अग्नि फेरा यात्रा को पूरे विधि विधान से पूरा कर इस हवन कुंड की अग्नि को प्रज्वलित किया है। हमारी भक्ति स्वीकार कीजिए, हम पर कृपा कीजिए प्रभु, हमें दर्शन दीजिए प्रभु, हमें दर्शन दीजिए। लड्डू गोपाल, तुम अपने भक्त की रक्षा करने के लिए हर बार विधि के विधान की नई रचना गढ़ लेते हो। हर बार तुम्हें धर्म नवीन इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि तुम धर्म को जानती नहीं हो, तुम विधान को मानती नहीं हो। यदि एक बार तुम धर्म को स्वीकार कर लो, तुम्हारा ये संशय स्वयं समाप्त हो जाएगा पुतना। भगवान कीर्तिमुख को जागृत करने का अनुष्ठान आरंभ कर दिया है, इसलिए अभी समय है अपने धर्म को त्याग कर तुम भी आ जाओ धर्म की शरण में। आज सूर्यदेव उदित क्यों नहीं हो रहे? कहीं ऐसा ना हो कि तुलसी कीर्तिमुख को प्रसन्न करके मेरे दोष से मुक्त हो जाए। सूर्यदेव उदित होइए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सूर्यदेव उदित होइए, नहीं तो मैं आपको ऐसा ग्रसित करूंगा कि आप हमेशा के लिए अस्त हो जाएंगे। क्या सोच रही हो पुतना? भगवान कीर्तिमुख के प्रकट होते ही तुलसी पर से राहु का कर्कोटक काल सर्प दोष समाप्त हो जाएगा, फिर राहु और तुम्हारी दोनों की ही हार निश्चित है। नहीं लड्डू गोपाल, मैं इस बार इस तुलसी की भक्ति को नहीं जीतने दूंगी। कभी नहीं जीतेगी ये तुलसी, कभी नहीं जीतेगी ये तुलसी। राहु, बिना देव
कृपा के बीच लड्डू गोपाल ने तुलसी की सहायता कर ली। अब तुलसी अपने कर्मों से कीर्ति मुख को प्रकट करके रहेगी। मैंने कहा था ना पूतना, समय बदल चुका है। अब यदि कीर्ति मुख मेरे सम्मुख आ भी जाए तो राहु को नहीं हरा सकते। इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, जीत हमारी होगी और हमारा प्रतिशोध पूरा होगा। और हार होगी लड्डू गोपाल की भक्त तुलसी की और उसकी भक्ति की। कौन है जो इस अग्नि रेखा को पार कर मुझ तक पहुंचा? किसने मुझे जगाने का दुस्साहस किया है? सामने आओ। युगो पश्चात जागृत होने के कारण कीर्तिमुख क्रोधित हो गए हैं, इसलिए मुझे उनको शांत करना होगा। हे महादेव के मुख, कीर्ति मुख, शांत हो जाइए। आपको मेरी परम भक्त तुलसी ने जागृत किया है। आपकी भक्त? आप कौन है? क्रोध के कारण आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं, पर स्वयं ही देख लीजिए आप। साक्षात नारायण, लड्डू गोपाल के रूप में प्रभु आप मेरे धाम में? हाँ कीर्तिमुख, मैं अपनी परम भक्त तुलसी की सहायता के लिए उसका पुरोहित बनकर आपके धाम आया हूँ। ये देखिए, तुलसी इस समय अचेत है, उसी ने आपको जागृत किया। आपके भक्त की ये दशा? किसने किया है यह धर्म? किसने दिया है आपके भक्त को ये घोर कष्ट? उसी ने, जिसे दंड देने के लिए आपका जन्म हुआ है, और उसी राहु ने मेरी परम भक्त तुलसी पर अपना कर्कोटक काल सर्प योग चलाया है। कीर्तिमुख, राहु, मुझे ज्ञात था वो अपने अधर्म का कभी भी परित्याग नहीं करेगा, परंतु महादेव जी के कहने पर मैंने उसे एक अवसर दिया था, परंतु इस बार मैं राहु और उसके अधर्म दोनों का नाश कर दूंगा। मुझे आज्ञा दो प्रभु। तुलसी, मैं विधि के विधान से बंधा हूँ, इसलिए अपनी शक्ति से तुम्हारे कष्टों का हरण नहीं कर सकता, क्योंकि ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार मैं उस पर कोई देव कृपा नहीं कर सकता जिस पर राहु काल हो। मुझे आज भी स्मरण है वो दिन जब राहु नवीन जी ने और शरीर को धारण करके ब्रह्मदेव के सम्मुख आया था। हे परमपिता, आपने मुझे नया जीवन दिया, एक नया रूप दिया, परंतु मेरा न्याय अधूरा है।
बिना किसी अपराध के मुझे दंड दिया गया था, बिना किसी दोष के उस छलिए विष्णु ने मेरा शीश धड़ से अलग किया था। राहु, इस संसार में कुछ भी अकारण नहीं घटता, बिना अपराध के किसी को कोई दंड नहीं मिलता। स्वर भानु के रूप में तुमने अधिक अधर्म किए थे, उसी का दंड दिया था मैंने तुम्हें। परंतु मैं आपका अपराधी नहीं था, मैंने आपके किसी भक्त का कोई अहित नहीं किया, इसलिए मुझे दंड देने का आपको कोई अधिकार नहीं था। परमपिता, मेरे साथ अन्याय हुआ है, आपको मेरे साथ न्याय करना ही होगा ब्रह्मदेव। राहु, तुम अमृतत्व चाहते थे, देवत्व चाहते थे, मैंने वो तुम्हें प्रदान किया, अब और क्या चाहते हो तुम? ये भी बता दो राहु कि तुम्हें न्याय की प्राप्ति किस प्रकार होगी। ब्रह्मदेव, देवताओं का रूप धरने के कारण ही मुझे दंड मिला था, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मुझे वरदान दें कि जब भी मेरी ग्रह दशा, मेरा गोचर, मेरा काल सर्प दोष किसी मनुष्य अथवा किसी देव पर लगे तो उस पर किसी देवता की कृपा ना हो, कोई भी देव मेरे विरुद्ध अपनी शक्ति का प्रयोग न कर पाए, ये वरदान दीजिए मुझे। ठीक है राहु, ऐसा ही होगा। अब बना हूं मैं पूर्ण रूप से देवता, क्योंकि अब राहु के कार्य में कोई बाधा नहीं डाल सकता, अब मैं जो चाहूं कर सकता हूं और कोई देवता मेरा अहित नहीं कर सकता। ब्रह्मदेव के उसी वरदान के कारण मैं राहु के कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, इसलिए राहु के पराजित होने तक मुझे प्रतीक्षा करनी होगी। पर तुमने अपना कर्म पूरा किया है, तुमने पूर्ण विधि विधान से कीर्तिमुख को जगाया है, इसलिए कीर्तिमुख राहु को उसके कर्मों का दंड अवश्य देंगे। लड्डू गोपाल, राहु को दंड देने के पूर्व ही सूर्योदय हो जाएगा और सूर्योदय होते ही तुम्हारी ये परम भक्त तुलसी के जीवन का सूर्यास्त। तुम तो ऐसे कह रहे हो पुतना जैसे तुम ही नियति के निर्धारक हो। एक बार इस संसार से भक्ति को समाप्त होने दो लड्डू गोपाल, और फिर देखना हम असुर ही होंगे सृष्टि के निर्धारक। अधर्म की ना कभी जीत हुई है और ना ही आज होगी, पर वो समय दूर नहीं है जो तुम्हें भी तुम्हारे अधर्म का दंड मिलेगा। दंड? कौन देगा मुझे दंड लड्डू गोपाल? तुम? शायद तुम भूल गए लड्डू गोपाल कि तुमने तुम्हारे परम भक्त प्रहलाद को वचन दिया था कि तुम उनके वंशज का कभी अहित नहीं कर सकते, और मैं पूतना उनकी वंशज हूँ, इसलिए तुम ना मुझे कभी दंड दे सकते हो और ना ही मेरा वध कर सकते हो। मैं तुम्हारा वध नहीं कर सकता, पर मेरी परम भक्त तुलसी कर सकती है तुम्हारा वध। यदि वो बचेगी तब तो लड्डू गोपाल सूर्योदय होते ही तुम्हारी परम भक्त तुलसी का जीवन समाप्त हो जाएगा और तुम्हारी आशाओं का भी। बचेगी तो केवल इस संसार में पूतना, और इस संसार में पहले से ही देवत्व प्राप्त किया हुआ राहु, समझे लड्डू गोपाल? आओ कीर्तिमुख, मैं युगों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, जब सतयुग में हमारा तुम्हारा युद्ध अधूरा रह गया था। युद्ध और तुम्हारा जीवन तो उसी दिन समाप्त हो गया होता राहु, परंतु उस दिन क्षमा मांगने का ढोंग करके जीवित बच गए थे। परंतु आज मैं तुमसे नहीं
तुम मुझसे क्षमा मांगोगे कीर्तिमुख। मैं तुम्हें अंतिम अवसर देता हूं राहु, भगवान लड्डू गोपाल के भक्त तुलसी के ऊपर से काल करकोटक सर्प दोष वापस ले लो, अन्यथा इस संसार में न तो तुम्हारा कोई दोष बचेगा और न ही तुम। इसका निर्णय तो युद्ध से होगा कीर्तिमुख। इस संसार में राहु रहेगा या फिर कीर्तिमुख। इसलिए मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूं कीर्तिमुख। इस संसार में मेरा जन्म ही अधर्म का नाश करने के लिए हुआ है। यदि तुम मुझे चुनौती देते हो तो मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूं राहु। रात्रि ढलने लगी है, सूर्योदय होने में अब अधिक देर नहीं है। यदि कीर्तिमुख ने राहु को सूर्योदय होने से पूर्व प्रास्त नहीं किया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अब तो तुलसी का शरीर भी शीतल होने लगा है। कीर्तिमुख, अब मैं वो राहु नहीं जिससे तुम्हारा सतयुग में सामना हुआ था। अब संसार की कोई शक्ति मुझे पराजित नहीं कर सकती, तुम भी नहीं। तुम्हारी मृत्यु हो न हो, पर अब मैं तुम्हें कोई अधर्म करने योग्य नहीं छोड़ूंगा। तुम जीवित रहोगे राहु, लेकिन इस त्रिशूल की नोक पर तुम्हारी सांसें चलेगी, लेकिन सिर्फ मृत्यु की पीड़ा सहने के लिए। कीर्तिमुख, विष्णु का सुदर्शन चक्र जिसका कुछ अहित नहीं कर पाया तो उसे तुम्हारे इस त्रिशूल से क्या भय लगेगा। तो आओ करो मेरा वध, आगे बढ़ो और दो मुझे दंड। परंतु स्मरण रखो, सूर्योदय होने में अधिक समय नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा अंत करने के प्रयास में कहीं लड्डू गोपाल की भक्त तुलसी का अंत ना हो जाए। मैंने अमृत पान किया है, तुम उस अमृत की महिमा को नहीं मिटा सकते। महादेव के त्रिनेत्र की अग्नि भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लड्डू गोपाल, कौन है इस संसार में जो पूतना करोगेगा? जो नरक कूप में जाता है वो कभी बाहर नहीं आ सकता। अब तुम्हें ना मुक्ति मिलेगी ना मोक्ष। दुनिया की नजरों से परे तुलसी के बनने सारथी आ रहे हैं तुलसी धाम के लड्डू गोपाल, सिर्फ शिमालू टीवी पर।